टीकमगढ़ SDM सौरभ मिश्रा अपनी कार्य प्रणाली से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उनके द्वारा कई बार ऐसे कार्य किए जाते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाते। अभी कुछ दिन पहले जब शीतलहर का प्रकोप चल रहा था तो उनके द्वारा रात्रि में अस्पताल में जाकर मरीज के परिजनों को कंबल वितरण का कार्य किया गया था। आपको बता दें कि दिव्यांग लखन विश्वकर्मा अपने आधार कार्ड बनवाने के लिए काफी दिन से परेशान हो रहे थे और वह तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर सड़क पर घिसते घिसते कलेक्ट्रेट जाते हैं। जब इसकी जानकारी मीडिया को लगी तो उनसे बात की गई कि उन्हें क्या समस्या है। उनके द्वारा बताया गया कि उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, ना ही उनके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, इस कारण कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। साथ ही भरण पोषण की भी समस्या उनके सामने बनी रहती है। इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से टीकमगढ़ SDM सौरभ मिश्रा को लगी और वह अपने आप को नहीं रोक पाए और सीधे मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा दिव्यांग से उनकी परेशानी जानी गई। उनके द्वारा स्वयं ही उनके हाथों को सैनिटाइजर से साफ किया गया ताकि उनके फिंगर आ सके। उनके पास जमीन पर बैठकर उनकी परेशानी जानी और उसकी मदद करने का पूरा भरोसा उनके द्वारा दिया गया। आधार कार्ड बनवाने वाले को वहीं बुलाकर रास्ते में ही उसका आधार कार्ड बनवाया गया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। के लिए आ रहे थे नगर पालिका, आधार कार्ड के लिए। तो कैसे बना दिया आपका आधार कार्ड? किसने बनवाया? साहब आए SDM साहब। SDM साहब कुछ नहीं, आप ही लोगों के द्वारा, मतलब मीडिया के कुछ यहाँ के एक्टिव सदस्य हैं आपके साथी, उनके द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक विकलांग व्यक्ति हैं, उनका आधार जो करेक्शन होना है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपने हाथों का उपयोग करते हैं चलने फिरने में, ये उनके साथ एक बहुत बड़ी मतलब विडंबना थी, इसलिए नहीं था। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली तो मैं आया, नगरपालिका अधिकारी उपस्थित हुई मैडम, और उनके थोड़ा सा हाथ अच्छे से सैनिटाइज़र वगैरह से धुलवा के, जो भी और तरीके हो सकते थे वो करें, तो मशीन को बाहर ही बुलवा के नगरपालिका के, और वो उनका दर्ज हो गया फिंगरप्रिंट्स और आधार बनेगा। उसके बाद सिविल सर्जन साहब से भी बात हो गई तो उनका विकलांगता का सर्टिफिकेट यदि अभी नहीं बना होगा तो बनवाएंगे, और हमारे जो विभाग है इसका निःशक्तजन कल्याण का, तो उससे संबंधित सारी जो उनको लाभ मिल सकते हैं वो भी दिलवाने की कोशिश करेंगे, और उनकी और व्यक्तिगत कुछ समस्याएं और हैं जो आपने आप लोगों के माध्यम से पता चली तो उसमें भी हम लोग मदद करेंगे, और यदि ज़रूरत पड़ी तो उनको यदि वृद्धाश्रम शिफ्ट करना पड़ा या कुछ और उनकी मदद होगी तो वो भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।